नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भैया ओमिक्रॉन। जी हाँ, गरीब यस पैसे वाले या गरीब कैसे भी समझ सकते हैं कि कोई भी बीमारी आ जाओ, जितना इफेक्ट गरीब आदमी पे पड़ता है ना, उतना पैसे वालों पे नहीं पड़ता है। क्योंकि पैसे वालों को तो विदेश जाना घूमने के लिए तो ज़रूरी है क्या, उनको अभी जाना, वो तो बाद में चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कि कोरोना लगभग ख़त्म सा हो चुका था, सभी देश ओपन हो चुके थे, आप जिस भी देश में जाना चाहते थे आपने अप्लाई कर रखा था, बहुत सारे लोगों के हज़ारों की संख्या में इंडिया में या किसी भी अपने देश में है वीज़ा आ चुके थे। चाहे आप विजिट वीज़ा लेके बैठे हैं, चाहे आप परमिट लेके बैठे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने पैसे भी दे रखे थे, आपने पासपोर्ट भी दे रखा था। अभी ये एक सूचना, एक बम सा फूटा, परमाणु बम जिसको बोल दें एक तरीके से, ओमिक्रॉन केस। जी हाँ, इसको लेके थोड़ा संशय हो गया, शक हो गया कि पता नहीं पहले जैसे हालात हो जाए, क्या करें, विदेश जाएं, कंपनी में जाएं कि नहीं जाएं, वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। इस स्थिति पे बात करेंगे कि आपके साथ आगे क्या होने वाला है। क्लियर कट ये बात मुझे तो दिख रही है, आपको दिखे ना दिखे मुझे नहीं पता कि आपको क्या क्या नुकसान होने वाले हैं। डिटेल से जानिए, वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ओमिक्रॉन केस आ चुका है इंडिया में भी, इसकी एंट्री हो चुकी है, आप सबको पता लग गया होगा। अभी बात करें तो सऊदी में भी ओमिक्रॉन का एक केस आ चुका है, दुबई में भी आ चुका है, बाकी धीरे धीरे फैल ही रहा है। लगभग 31 देशों में एंट्री इसने कर ली है, समझ गए बात को। और अभी आप लोगों ने, बता दूं, बहुत सारे लोगों ने कंपनियों में इंटरव्यू दे रखा था, आपका ऑफर लेटर आ रखा था, आपका वीज़ा आ रखा था, आपने ऑफिस में पैसे दे रखे थे, आपने पासपोर्ट जमा कर रखा था और आपके आपने तैयारी कर रखी थी हमें विदेश जाना है, चाहे आप किसी भी देश जा रहे होंगे। जी हाँ, अभी ये ओमिक्रॉन, क्योंकि मेरे पास लोगों के मैसेज आ रहे हैं, सर वीज़ा आया हुआ है क्या, विदेश अभी जाना सही रहेगा? जी हाँ, इस टॉपिक पे इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि अगर आप विदेश नहीं जाते हैं तो आपको क्या नुकसान होता है, अगर आप जाते हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो फैसला आपको करना है। जी हाँ, मैं सिर्फ आपको एक ओपिनियन दे सकता हूँ। इंडिया की अगर बात करें, ओमिक्रॉन केस अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन देखिए अब आपको नुकसान क्या होगा, कंपनी में ऑफिस में एजेंटों को पैसे दे रखे हैं वीज़ा आया हुआ है, या पैसे नहीं दे रखे हैं आपका वीज़ा आ चुका है। अभी एक मेरे पास कई लोगों ने ग्रुप में जोड़ रखा है, उनके भी मैसेज में पढ़ रहा था, उनमें साफ साफ ये नोटिस दिया गया है कि आपका वीज़ा आ चुका है, अगर आप अभी विदेश नहीं जाते हैं, कल को ओमिक्रॉन आने की वजह से फ्लाइटें बंद हो जाती है तो वीज़ा का पैसा आपका लगेगा। ये बात कुछ हद तक सही भी है, सही इसलिए है कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं अशोक कुमार, मेरा वीज़ा किसी ऑफिस में आ गया और मैं लेके यूं बैठ गया, जी ओमिक्रॉन आया हुआ है, पता नहीं क्या होगा, समझ रहे हैं, जैसे दुबई का ही समझ लो, मेरा वीज़ा आया हुआ है, मुझे किसी ऑफिस वाले ने दे दिया, मैं वीज़े में तो टाइम होता है 2 महीने का, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, बैठे हैं भाई, तो चलो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, मैं वीज़ा आए आज 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, इतने में मान लो दुबई सरकार बोलती है कि भाई इंडिया में ओमिक्रॉन के आंकड़े बढ़ गए, हम फ्लाइटें बंद करते हैं, तो वो फ्लाइटें बंद करते हैं तो वीज़ा फिर स्टॉप हो गया, वो तो कैंसिल होगा, क्योंकि फ्लाइटें पता नहीं कितने टाइम के लिए बंद रहेगी। तो भाई अब वो वीज़ा कैंसिल होता है तो वो वीज़ा का पैसा का जिम्मेदारी किसकी है, कौन देगा उस वीज़ा का चार्ज? तो सीधी सी बात है, मैं ही दूंगा, गलती तो मैंने करी है ना भाई, वीज़ा ऑफिस वाले ने मुझे 15 दिन पहले दे दिया, मैंने सोच विचार में निकाल दिया, फ्लाइटें बंद हो गई, तो गलती ऑफिस वाले की तो नहीं है, जबकि ऑफिस वाला मुझे बोल रहा था कि भैया फ्लाइटें बंद हो सकती हैं, आप फ्लाइट कर लो, मैं टिकट बना देता हूँ, आप चले जाओ, मैं नहीं जा रहा हूँ, तो भैया पैसा मेरा ही लगना है, आप एजेंट पे दोष नहीं दे सकते। पहले वाली बात अब की बार नहीं चलेगी कि वीज़ा आ गया, फ्लाइटें बंद हो गई, हम कहाँ से जाएँ, कहाँ से पैसे दें, हम तो पैसे नहीं देंगे। लेकिन अब की बार जैसे मान लो अभी वीज़ा लोगों के, बहुत सारे लोगों के आए पड़े हैं, ओमिक्रॉन 5-7 दिन से आपको पता है एक ट्रेंड सा चला हुआ है, तो उसमें आप सोचते हैं पता नहीं यार आगे चल के क्या होए, केस बढ़ जाए कि उस देश में लॉकडाउन लग जाए, हमें प्रॉब्लम आ जाए, तो भैया वीज़ा का पैसा भुगतने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ऑफिस वाला बोल रहा है भाई टिकट दे दूँ आप चले जाओ, वहाँ पे जाने के बाद अब आपको, देखिए आपको सोचना है कि सब देशों में ऐसा नहीं होने वाला है यार, गल्फ देशों में खास तौर से आप लोगों की बात करें, क्योंकि ये चैनल गल्फ देशों के लिए ही है, तो मेरी जहाँ तक राय है जिन लोगों के वीज़ा आए हुए हैं तुरंत प्रभाव से टिकट लें, जो लोग छुट्टी आए हुए हैं तुरंत प्रभाव से टिकट लें और फूट लें,
समझ गए, यानी यहां से निकल जाएं उस देश के लिए जिस देश में आप जाना चाहते हैं। सऊदी ने भी फ्लाइटें चालू कर दी हैं। कल को अगर खुदा ना खास्ता महीने भर बाद में फ्लाइटें बंद हो जाएगी तो लंबा समय जाएगा भैया, 6 महीने 7 महीने 8 महीने फिर बैठे रहना और वीजा का भुगतान भी पैसा आपको करना पड़ेगा। कल एक दो बंदे के कॉल आए थे, बोला सर अभी महीना भर हुआ है, दुबई से छुट्टी आई हुई है, ये माहौल चल रहा है तो क्या मुझे वापस चले जाना चाहिए? मैं बोला भाई बिल्कुल चले जाना चाहिए। समझ रहे बात को, इंडिया एक विशाल कंट्री है, यहाँ पे आंकड़े आ जाएंगे तो लंबे समय तक रिकवरी होने में लंबा समय लग जाएगा। 2 साल से अभी पिछला सिस्टम झेल रहे हैं, और गल्फ देश जैसे छोटे कंट्री हैं वहाँ पे अगर हो भी जाता है तो जल्दी रिकवरी कर लेते हैं। और वहाँ पे जो पहले से ही लोग थे, तो आप दुबई में देख लो लॉकडाउन इतना कहाँ लगा था, लोग काम कर रहे थे, समझे? हाँ फ्लाइटें बंद थी लेकिन वहाँ जो थे वो तो काम कर रहे थे, उनको इतनी दिक्कत नहीं आई। जो लोग छुट्टी आए थे जिनके वीज़ा हुए थे वो लोगों को ज़्यादा दिक्कत आई। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट, मेरी जो सोच है, आपका चाहे वीज़ा आया वो हो, चाहे आपका आप विदेश जाना चाहते हैं, चाहे आप छुट्टी आए हैं, अगर मैं जहाँ तक मुझे लगता है कि दिसंबर के अंदर अंदर आपको उस देश के लिए फ्लाइट पकड़ के उस देश में पहुँच जाना चाहिए। दिसंबर में भी हो सके तो जल्दी करें, क्योंकि भैया कोई भरोसा नहीं है क्या हो जाए, समझ रहे हैं बात को। और गल्फ जैसे देशों में जाओगे तो वहाँ ज़्यादा सुरक्षित है, आपको वहाँ दिक्कत नहीं आएगी, दोनों डोज लगे यार काम करो, कंपनी में क्या दिक्कत आएगी, पहले भी लोग काम कर रहे थे। बाकी आपकी समझ है, फैसला आपको करना है। मेरा कहने का मतलब यही था, अगर वीज़ा आ गया, अभी आप 10-15 दिन नहीं जा रहे हैं, कल को किसी देश ने फ्लाइट बंद कर दी, फिर आप बोलोगे पैसे वीज़ा के पैसे हम नहीं देंगे, वो पैसा का जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि ऑफिस वाला आपको भेज रहा है, 15 दिन आपने निकाले, ऑफिस वाले ने नहीं निकाले, समझ गए बात को। तो इन चीज़ों पर थोड़ा गौर करिए और अपने स्तर पर अपने माइंड पर सोचते हुए फैसला लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।